नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मेरे किसान भाइयों, भारत में कई किसान भाइयों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो अपने बैंगन की फसल करते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के वायरसेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि सुंडी रोग, तना छेदक रोग, तना गलन एक्सेट्रा, मतलब अनेक प्रकार के वायरसेस उन्हें देखने को मिलते हैं। और वायरस लग गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको दवाई से कंट्रोल भी नहीं होता। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की किसान भाई जब दवाई डालता है तो वो कंट्रोल भी नहीं रहता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो वायरस। वो लगता ही जाता है, उतरता ही नहीं है वो वायरस बैंगन के पौधे से। तो जैसे कि आप ये मेरा खेत देख पा रहे हो, ये बैंगन का खेत है, ये मेरे बैंगन की फसल है, और मेरे किसान भाई इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसका क्या एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये पौधा देख पा रहे हो, मैंने ज़मीन से 1 फुट ऊपर की दूरी पे इस पौधे की कटिंग कर दी। जैसे मैंने कटिंग की, 17 दिन के अंदर अंदर जो ये पौधे आप देख पा रहे हो वापस उतने ही बड़े हो गए, और इसके अंदर 1% वो वाला रोग नहीं है जो मेरे को रोग देखने को मिल रहे थे, कोई सा भी रोग नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि नया बैंगन का पौधा है। मतलब ये देख पा रहे हो कितना हरापन है इस पौधे के अंदर, और आप बिल्कुल वायरस देखने को नहीं मिल रहा मेरे को इसके अंदर, वीडियो के अंदर जैसा आप देख पा रहे हो। मात्र ये 17 दिन का पौधा है और ये 1 महीने के अंदर अंदर इसकी फ्रूटिंग वापस से आ जाएगी। और जो ये पौधे देख पा रहे हो, इनकी तो मैंने 4-5 दिन पहले ही की थी। जैसे कि आप मान लो कि आप यहाँ से काट दोगे तो इसकी नई नई ब्रांचेस निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ से ब्रांच निकल गई, यहाँ से ब्रांच निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से अनेक प्रकार की ब्रांचेस इसके अंदर निकल गई। यानी 3G कटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये 3G कटिंग ही हो गई। मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने काट दिया था तो जैसे यहाँ से कटा था तो इसकी ब्रांचेस यहाँ पता नहीं कहाँ से ब्रांचेस निकल गई, और एकदम ये तंदुरुस्त बैंगन का पौधा बन गया। मात्र ये जो बड़े वाले पौधे, ये 17 दिन के, और ये छोटे वाले 5-6 दिन के। ये बड़े वालों की तो मैंने 1 सितंबर को इसकी मैंने कटिंग करी थी, और इन छोटे वालों की तो अभी फ़िलहाल की थी 5-6 दिन पहले। तो मेरे किसान भाई, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है आउट ऑफ कंट्रोल वायरस की, आप दवाई डाल देते हो फिर भी वायरस कंट्रोल नहीं होता, तब इस आइडिया का आप उपयोग करें, नहीं तो आपके बैंगन की फसल नष्ट हो सकती है। ये खतरनाक वायरसेस आपके बैंगन की फसल को निगल सकते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि आप आखिर किस प्रकार से इनको, आप प्रॉब्लम को डिफेंड कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर मैंने तो ये 1 सितंबर को किया था, लेकिन आपके पास अभी भी मौका है, आप अभी भी इनकी ये कटिंग कर सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद है, मस्त हो जाता है पौधा एकदम तंदुरुस्त। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।